आरोप प्रत्यारोपों की संकरी पगडंडी से गुजरते हुए शोधपूर्ण एवं जुटिले प्रश्नों की बौछार से हास्य व्यंग की फुलझड़ी लहराने वाले मितभाषी एवं सजग पत्रकार रजत जी शर्मा ने छोटे पर्दे पर आपकी अदालत के माध्यम से सकारात्मकता के फूल खिलाते हुए पत्रकारिता जगत में संभावनाओं को तलाशने की अनूठी पेशकश की है। बूंद बूंद से सागर बनता है, इसकी बेहतरीन मिसाल और शख्सियत, जी हां, इंडिया टीवी के चेयरमैन तथा प्रमुख संपादक और आपकी अदालत जैसे लोकप्रिय टॉक शो के मास्टर ब्लास्टर रजत जी शर्मा की बात हो रही है। मैं रजत जी को बहुत सालों से जानता हूं। ये इंटरव्यू करने का एक अपना तरीका है उनका, और 21 साल तक एक ही प्रकार की चीज सस्टेन करना ये सरल काम नहीं, और उन्होंने इसे किया। इस मीडिया में आने से पहले आपने लगभग 10 वर्षों तक प्रिंट मीडिया में पत्रकारिता करते हुए अपनी पहचान बनाई। तत्पश्चात 1995 में भारत के पहले गैर सरकारी टेलीविजन न्यूज बुलेटिन की शुरुआत की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इतिहास में यह न्यूज बुलेटिन पत्रकारिता के नए युग का आगाज साबित हुआ, और 4 वर्षों में ही यह चैनल भारत में प्रथम स्तर का न्यूज चैनल बन गया। आपकी पहचान नेशंस न्यूज लीडर के रूप में आज भी कायम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के समाचारों को आपने एक नया आयाम दिया है। पत्रकारिता जगत में खबरों की विश्वसनीयता बड़ी अहम मानी जाती है, और आपने सदैव इसे बरकरार रखी है। यही कारण है कि आज भीड़ में भी अपनी विशेष छवि बनाने में आप कामयाब सिद्ध हुए। आपका बचपन गरीबी में गुजरा, गरीबी जैसे विषम परिस्थितियों पर मात करते हुए सच्ची लगन और आस्था के साथ आपने खूब मेहनत की और अपने लक्ष्य विशेष को हासिल किया। उस दौर में सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए बिजली के अभाव में रेलवे स्टेशन की रोशनी में आपने पढ़ाई की। वाणिज्य शाखा से स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद नौकरी के जद्दोजहद के सफर में आपकी मुलाकात वरिष्ठ लेखक और पत्रकार जनार्दन जी ठाकुर से हुई, और पत्रकार रजत जी शर्मा का भूला भाला मगर तल्ख चेहरा लोगों के सामने आया। प्रारंभ में जनार्दन जी के साथ काम करते हुए सन 1982 में बतौर प्रतिनिधि आप आंदोलकर मासिक पत्रिका से जुड़े, और मात्र 3 वर्षों में ही अर्थात 1985 में उसी पत्रिका के संपादक बन गए। वक्त के तकाजे के साथ बाद में आपने संडे ऑब्जर्वर, द डेली जैसे प्रख्यात पत्रिकाओं की भी धुरा संभाली। निगाहों निगाहों में नाप तौल लेने के आपके हुनर ने एक दिन हवाई सफर में आपकी मुलाकात तत्कालीन स्टार टीवी के सुभाष चंद्र जी से करवाई, और आपकी अदालत नामक टॉक शो का जन्म हुआ। समय के साथ ये शो मास्टर ब्लास्टर बन गया। इसके पीछे आपकी मेहनत, लगन और पक्के होमवर्क का बहुत बड़ा हाथ है। इस शो में कई नामचीन नेता, कलाकार एवं समाज सेवियों ने सहभागिता की, जिससे आप मीडिया की दुनिया में शीर्ष पर पहुंच गए। इसी दौरान आपके दिलो दिमाग में अपना खुद का न्यूज चैनल कल्पना ने दस्तक दी, और सन 2004 में रजत जी शर्मा द्वारा संचालित इंडिया टीवी नामक चैनल का आगमन हुआ। दिस प्रोग्राम हैज मैनिफेस्टेड द स्ट्रेंथ ऑफ आवर डेमोक्रेसी, एंड प्लीज डू नॉट चेंज योर रोल, यू बी द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। आपकी अदालत नामक टॉक शो
आपके दिमाग की उपज थी जो यहाँ भी रंग लाई और सफलता के चरम पर आपको ले गई। पत्रकारिता के साथ साथ आपने शिक्षा और साहित्य जगत को भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसकी परिणति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पद्म भूषण में हुई। सपने देखना आपकी आदत में शुमार है। कुछ ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें देखने टीवी के चैनल पर आए, ना कि तुम खुद किसी दूसरे को देखने के लिए तीसरे के घर टीवी देखने चले जाओ। आपके पिताजी द्वारा दिया गया यह कान मंत्र हमेशा अपने जहन में लिए आपने आज तक का यह लंबा और गौरवपूर्ण सफर तय किया है। पत्रकारिता के आदर्श रहे श्रीकांत जी जोशी की स्मृति में दिया जाने वाला सर्वोपरि उत्कृष्ट पत्रकारिता का राष्ट्रीय पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार रजत जी शर्मा को प्रदान करते हुए राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास बेहद हर्ष का अनुभव कर रहा है।